हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो एंड आप लोग अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडियाक रीडिंग के साथ फॉर माय टॉरसेस आउट देयर। एंड ये बहुत ही जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे आप उसे बिल्कुल यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस। दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे, फर्स्ट हाफ। सो फर्स्ट 15 डेज ऑफ मे आप लोग कह सकते हो। नाउ पहले देखते हैं टॉरस दैट ओवरऑल मैसेज या थीम मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स कौन सा थीम मैसेज आपको देना चाहेंगे फॉर मे फर्स्ट 2 वीक्स। वी हैव डेजर्ट पैसेज देर, ट्रस्ट देर इज अ डिवाइन प्लान। ओके, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी टॉरस दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू आप लाइफ में एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको लग रहा है सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। छोटे छोटे काम करना आपके लिए मुश्किल है, कुछ हासिल करना आपके लिए मुश्किल है, आपका करियर मुश्किल है, आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो आपको लग रहा है हर एक चीज़, हर एक काम, हर एक टारगेट जो आपने सेट किया है उसे अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दूसरे लोग जो चीज़ आसानी से कर पा रहे आपको वही चीज़ करने में बहुत आपका एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा टाइम सब कुछ लग रहा है। नाउ वॉट स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो मे फर्स्ट हाफ के लिए टॉरस, आपको ये जानना है दैट एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, एक लास्ट चैलेंज आएगा आपके सामने। ये चैलेंज आप जितना जल्दी ओवरकम कर लोगे आपके लिए उतना जल्दी आपका लाइफ बेटर, स्मूदर एंड हैप्पी बनता जाएगा। आई फील आप लोग ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हो, बस एक लास्ट चैलेंज, एक लास्ट लेसन, एक लास्ट चीज़ जो आप लोगों को करना है। बट डरने की बात नहीं है, इट्स नॉट समथिंग जो बहुत नेगेटिव है, बहुत लाइक बहुत टेरिफाइंग है, नहीं। ये आपने हज़ारों चैलेंजेस ओवरकम ऑलरेडी किया है, अपने में भी हज़ारों लेसन्स ऑलरेडी लर्न कर लिया है, ये बस एक आखिरी है। उसके बाद आपको दिखेगा दैट ये सब क्यों ज़रूरी था, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपको गलत लगा, जो कुछ भी आपको नाइंसाफी लगा, आपको इतना मुश्किल हुआ, आपका स्ट्रगल सब कुछ। एक तो सब कुछ के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ब्लेसिंग दिया जाएगा, आपने जो भी मेहनत किया है उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, साथ साथ में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग और हैप्पीनेस मिलेगी, जिस वजह से आपको लगेगा दैट ठीक है, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, वो इस वजह से होना ज़रूरी था, तब मुझे समझ में नहीं आया था लेकिन आज मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो चीज़ हुआ या वो पर्सन मुझे मिले या वो सिचुएशन में मैं एक टाइम पे हुआ करता था या हुआ करती थी। सो डोंट लूज होप बिकॉज आप बहुत करीब हो एक ब्रेक थ्रू का, एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक समथिंग जो जिसके लिए इट्स लाइक अ डिवाइन प्लान, जो इस वक्त शायद आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है। डिवाइन आपके पीठ पीछे बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लाइफ को बेटर बनाने के लिए, आपके टारगेट्स को, ताकि आप जल्दी से अचीव कर पाओ, आपको स्टेबिलिटी मिले, हैप्पीनेस मिले, सब कुछ मिले। इस पूरे चीज़ के पीछे बहुत प्लानिंग है, बहुत डिवाइन टाइमिंग की ज़रूरत है, डिवाइन इंटरवेंशन है। यू जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको बस आगे बढ़ते रहना है। अगर इस वक्त कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई चीज़ का कोई सेंस नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, ना बने, भले ही ना बने, भले ही आपके पास क्लैरिटी ना हो, बट आपको जो सही लगता है, आपको जो लगता है कि ये मेरा रास्ता है, मुझे ये रास्ते में चलना है, आप चलते जाओ। चाहे वो आपका करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, पर्सनल लाइफ, इट कुड बी एनीथिंग, बट आपको चलते जाना है। ओके, नाउ कमिंग टू योर करियर सिचुएशन टॉरस, वी हैव कंसर्न नंबर 33। सो आपके करियर या फाइनेंसेस के लिए नंबर 3 और 3rd में, 6th में इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या 3rd से लेके 6th में इम्पोर्टेंट हो सकता है।
नाउ आई एम फीलिंग हियर टॉरस दैट आप एक जगह पे स्टेबल हो. इस टाइम पे आपको स्टेबल फील हो रहा है. ऐसा नहीं कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप पागल होते जा रहे हो. आप एक जगह पे हो, आप स्टेबल फील कर रहे हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है ठीक है, सही है, मुझे यहाँ पे होना चाहिए, या मैं यहाँ पे अपने मेहनत से पहुँचा हूँ, जो भी है. सो आपके पास आपकी इनकम बोलो, आपका सेटिस्फैक्शन जो है आपकी लाइफ में वो है. तो आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये चीज़ हुआ, आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ आपको ये चीज़ मिला, आप सेटिस्फाइड हो कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, या आप सेटिस्फाइड हो कि मेरे काम का रिवॉर्ड मुझे मिला है, मुझे मार्क्स इतने लाइक स्कोर मुझे मिला है एग्जाम में, या मेरा इंटरव्यू ऐसे. सो इट्स मोर अबाउट आप ये देख पा रहे हो कि जितना मेहनत आप डाल रहे हो आपको उतना ही फल मिल रहा है, ना ज़्यादा ना कम. जितना आपने दिया है उतना ही आपको मिल रहा है. लेकिन बात तब कंसर्न की आती है टॉरस, जब कुछ लोग इससे बढ़ के आगे सोचने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको मेनली कुछ लोगों के लिए ये इनसिक्योरिटी है जो आपको खाए जा रहा है. इट्स लाइक आपको पता है आप लाइफ में एक मुकाम तक पहुंचे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि वो काफ़ी नहीं है, या दूसरे लोग इससे आगे बढ़ चुके हैं, या फिर ये जो मुकाम है लाइफ का, इसमें आप ज़्यादा दिन इसमें आप ज़्यादा दिन नहीं गुजार सकते, या ज़्यादा दिन आप खुश नहीं रह सकते. बिकॉज़ मे बी आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, मे बी आपका एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हो. जो कि गलत नहीं है, बट मैं ये चीज़ कहूँगी दैट पहले आपको ये देखना है दैट फ्यूचर के बारे में वरी करने से बेहतर ये है कि आप प्रेजेंट को, एक तो प्रेजेंट को आप एन्जॉय करो, प्रेजेंट के लिए आप ग्रेटफुल रहो, साथ साथ आप ये देखो दैट आपकी एक्सपीरियंस क्या रही है. आप अपने एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं कर रहे हो. ये समय नहीं है आप कुछ नया सीखने जाओ, आप कुछ नया करो, नया सीखो, एकदम रिस्क ले लो, अननोन टेरिटरी में एंटर करो, कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पे आप कूद जाओ, किसी नया बिजनेस में चले जाओ, किसी ने आइडिया को आप अंजाम दे दो. आपको ये सब इस वक्त नहीं करना है. इस वक्त आपको कोई भी नयापन नहीं चाहिए करियर फाइनेंसेस में, ठीक है. इस वक्त आपको जो करना है, आपके एक्सपीरियंस, आपके लेसन्स, या फिर आपके अचीवमेंट्स जो अभी तक आपने हासिल किया है लाइफ में, चाहे वो कितना भी कम हो, चाहे वो कितना भी ज़्यादा हो, उसके ऊपर मेनली फोकस करना है. बिकॉज़ आई फील लाइक इस टाइम पे आपको बहुत एफर्टलेसली फाइनेंसेस मिलेगा, या आपको बहुत एफर्टलेसली चीज़ें हासिल होगा. हासिल होगा से मतलब है मे बी आपको बिजनेस के लिए क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको पैसा मिलेगा, आपको आप जो भी चाहते हो, आपका जो भी रिवॉर्ड है, जिसके जिसके लिए आप काम करते हो. कुछ लोगों के लिए इट कैन बी फेम, कुछ लोगों के लिए इट कैन बी मनी, कुछ लोगों के लिए इट कैन बी अप्रिसिएशन, कुछ भी. आपको वो चीज़ बहुत एफर्टलेसली मिलेगा. ये समय है उस चीज़ को अट्रैक्ट करने की. ये समय नहीं है कि आप कुछ नया करने चले जाओ एंड आपके पास जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी आपने इतने मेहनत से अचीव किया है, आप वो जगह को छोड़ दो या आप उस जगह को नष्ट कर दो, ठीक है. इस टाइम पे आप जहाँ पे हो, कोशिश करो आप वहाँ पे ही रहो. वहाँ पे रह के आप जितना कर सकते हो उतना करो. प्लीज़ आई एम टेलिंग यू अगेन, डोंट ट्राई टू डू समथिंग न्यू राइट नाउ. वो आपके दोनों साइड को बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में डाल देगा, नया चीज़ को भी और पुराना चीज़ को भी. आपने कुछ तो अचीव किया है, या इस टाइम पे आप कुछ तो अचीव करोगे, कोई हैप्पीनेस, कोई सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा आपके करियर से, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से, लेकिन उसमें खुश रहने की कोशिश करो, या उसमें कायम रहने की कोशिश करो. डोंट ट्राई टू डू समथिंग जो आपने कैलकुलेट नहीं किया है. ऐसा कुछ मत करना जो आपको लगता है डेंजरस है, रिस्की है, पता नहीं क्या होगा. ये वो समय नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि स्टक है, स्टैग्नेशन है, भले ही हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना करो. एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इस वक्त आप ज़्यादा कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है. ज़्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश मत करो.
उससे सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं. दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू. जो भी है उसे स्वीकार लो, जो भी है उसमें कायम रहो, जो भी है उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, उसमें प्रॉफिट ढूंढो या उसमें सक्सेस ढूंढो. इस वक्त आपको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना, इस वक्त आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. ओके, नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन, लेट्स सी व्हाट इज़ योर एनर्जी. वी हैव द सन एनर्जी विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. ओके, फॉर सम ऑफ यू टॉरस, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ आपके लव सिचुएशन में, अगर आप सिंगल हो, आप कंप्लीटली सेल्फ लव सिचुएशन में हो, लाइक आपको कंप्लीटली आप बस सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बस अपने आप को इंडिपेंडेंस, टाइम, एनर्जी, एफर्ट दे रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक अगर आप खुद को, लाइक आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप खुद को पहचान रहे हो, आपको लग रहा है जो भी हुआ आपके पास्ट में या जो भी रिलेशनशिप हुआ करता था, जो भी आपने सीखा, देखा, गो थ्रू किया लाइफ में, वो सब आपका एक हिस्सा है. एंड आप उस हिस्से को अपना के अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, आप किसी भी चीज़ को रिग्रेट नहीं कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ के ऊपर दोष नहीं दे रहे, आप किसी को भी, किसी के लिए भी आप बेचैन नहीं हो, आप बस अपने में मगन हो, आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप बस अपने लिए कुछ करना चाहते हो, जो बिल्कुल सही है. एंड ये सेल्फिश नहीं है, क्योंकि दिस इज़ सेल्फ लव, दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस. आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप किसी को होल्ड पे नहीं रखे हो, आप किसी को झूठ नहीं बोल रहे हो, आप बस अपने आप को वो प्यार दे रहे हो या देने की कोशिश कर रहे हो जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको कहीं किसी और से मिला नहीं. मे बी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी पर मिला नहीं वो प्यार. ओके, बट आई ऑल्सो सी दैट जो लोग किसी के साथ डील कर रहे हो, रिलेशनशिप वगैरह कोई है आपके माइंड में, आई सी आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, गहरा है. इसे लॉजिकली कभी कभी समझना पॉसिबल नहीं है, एंड ज़्यादा लोग इस कनेक्शन को समझते भी नहीं हैं. ज़्यादा लोग शायद आपको यही एडवाइस देते हैं कि ये गलत है, इसे छोड़ दो, ये मत करो, ये फालतू है, इसमें क्या रखा है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स. मे बी आपके फ्रेंड्स आपको ऐसा बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, बट द प्रॉब्लम इज़ आपको तो पता है कि ये कितना गहरा है, ये कितना स्पेशल है, ये कितना अलग है दूसरे कनेक्शंस से या दूसरे फीलिंग से. एंड ये सच है, इट्स लाइक अ कन्फर्मेशन, ये सच है, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो चुके हो इस रिलेशन में इतने गहराई से, आप काइंड ऑफ अपने सोल के साथ इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, एनर्जेटिकली आप दोनों कनेक्टेड हो, आप इस पर्सन की एनर्जी को फील करते हो या आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं. सो देयर इज़ दिस एनर्जेटिक कनेक्शन या कॉर्ड्स, एनर्जी कॉर्ड्स जो आप दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ चुके हो. सो दिस इज़ अ कनेक्शन जिसे आप इतना जल्दी तो लेट गो नहीं कर सकते, एंड मुझे नहीं लगता आप लेट गो करना चाहते हो. आई फील लाइक आप इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, पॉजिटिविटी देख रहे हो, बिकॉज़ आपको भी पता है कि ये कनेक्शन बाकी हज़ार कनेक्शंस जैसा नहीं है, ये कनेक्शन कुछ तो है गहरा या फिर कुछ स्पेशल है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर पर्सन्स एनर्जी हियर. वी हैव द टेन ऑफ पेंटिकल्स, सो ये पर्सन मे बी एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट ये कोई भी साइन हो सकते हैं, आई एम जस्ट सेइंग. नाउ ये जो इंसान है, फॉर सम ऑफ यू मैं कहूँगी देर इज़ अ थर्ड पार्टी. अगर थर्ड पार्टी है, आई फील लाइक इस पर्सन के कुछ मजबूरियाँ हैं उस थर्ड पार्टी के ऊपर, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मान सकते हो, मे बी बच्चे इन्वॉल्व है, पैसों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ तो है, फैमिली की इश्यूज़ है, जिस वजह से वो फ़िलहाल अपने थर्ड पार्टी में ही ज़्यादा समय बिता रहे, ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे, जो भी करना है वो कर रहे हैं. लेकिन आई कैन सी दैट ये पर्सन आपके जितना ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है,
ये पर्सन आपके जितना हील्ड नहीं है, ये एक ऐसे जगह पे है लाइफ में जहाँ पे इन्हें वो वाला कनेक्शन फील नहीं हो रहा है जो आपको हो पा रहा है। लाइक आप जितना ओपन हो, आप जितना स्पिरिचुअल हो, आप जितना हील कर चुके हो अपने आप को, मैच्योरिटी आप में जो आ चुकी है वो इस पर्सन के अंदर नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। इनको फ़र्क पड़ता है पैसों से, इनको फ़र्क पड़ता है सोसाइटी से, इनको फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ों से। इन्हें स्पिरिचुअलिटी, फीलिंग्स, इमोशंस या कोई गहरापन, कोई कनेक्शन का, ये सब चीज़ों से उन्हें कोई खास फ़र्क पड़ नहीं रहा फ़िलहाल तो। एंड दैट इज़ कॉजिंग अ इम्बैलेंस। जहाँ पे आप इतना ओपन हो, आप इतना मैच्योर हो, या आप इतना ज़्यादा समझ पा रहे हो, वहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विदड्रॉन है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिटेशंस में डालते हैं, अपने आप को लिमिटेड तरीके से देखते हैं। इन्हें लगता है दैट दिस इज़ लाइक, उन्हें जो लॉजिकली करना चाहिए वही वो करेंगे। वो हमेशा लॉजिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। राइट नाउ मैं कहूँगी दैट यहाँ पे ज़्यादा उनके तरफ से फीलिंग्स नहीं है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि ये कभी टूटेगा नहीं। घूम फिर के आप लोग वहीं आ जाओगे, घूम फिर के वही बात हो ही जाएगी, घूम फिर के आप लोग सेम पेज पे आओगे जो शायद होता आया है। बिकॉज़ ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, दिस इज़ लाइक अ सोलमेट और दिस इज़ अ वेरी हायर डायमेंशनल कनेक्शन जो आप दोनों शेयर करते हो। इसे लॉजिकली समझना पॉसिबल नहीं है। ओके एंड इस पर्सन के कुछ मैं कहूँगी तरीके हैं चीज़ों को देखने का, समझने का, हैंडल करने का। ये बस उसी तरीके से जाना चाहते हैं या जा रहे हैं जिस वजह से शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि मैं इतना समझ रही हूँ, मैं इतना कर रही हूँ, पर इस पर्सन को क्यों समझ में नहीं आ रहा, ये पर्सन क्यों फील नहीं कर। इट्स ओके, इट्स फाइन, क्योंकि ये अपने जर्नी में है एंड इनको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू जाना होगा किसी ना किसी समय। मे बी इस साल, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी 5 साल बाद, वॉट एवर टाइमिंग, पर ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होंगे, ये पर्सन आपके साथ अलाइनमेंट में आएंगे। मे बी समय सबके लिए कम ज़्यादा हो सकता है, बट ये होगा। जो इस वक्त नहीं है, जिस वजह से आप इस पर्सन की एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे हो, ना ही ये खुद कर पा रहे हैं। सो इसे या तो समय दो या तो इसे समझने की कोशिश करो। ओके सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर टॉरसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।